बट हम इसको स्ट्रेच कर देते हैं ये अब 8 टू 10 पी एम अप्रॉक्सीमेटली टू आवर्स का क्लास हम लेने वाले हैं और क्लासेस फाइव डेज अ वीक है क्लासेस फाइव डेज अ वीक है नवंबर आ गया है पहले ये फोर डेज था अब फाइव डेज हो गया है सुन इसका टाइमिंग और फ्रिक्वेंसी अभी हम रैपिडली और इसको पेस को बढ़ाएंगे ओके सो विद इन टाइम विद इन टाइम हमारे ये सारे कोर सब्जेक्ट्स कंप्लीट होने वाले हैं देन जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम सेकेंड राउंड की बात करेंगे एंड देन वी विल हैव दैट फिनिशिंग टच जिसमें करंट अफेयर्स रिलेटेड टू दीज कोर्स सब्जेक्ट्स और रिविजन ऑफ पास टू करंट अफेयर्स एट्सेट्रा ये सारी चीज़ें हम रिविजन मोड्यूल्स में देखेंगे सी एक और चीज़ जो है वो हमें ध्यान रखनी चाहिए इस एग्जाम प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है बैलेंस जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ़ स्टडी ऐसा नहीं होता कि हम हर चीज़ पढ़ने लग जाएँ वो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है और वो रिक्वायर्ड भी नहीं है हमको हमेशा सिलेबस के विद इन होना चाहिए और हमें सेलेक्टेड वो चीज़ें पढ़ना चाहिए जो सिलेबस के विदिन है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रजेंट एग्ज़ाम ट्रेंड के अकॉर्डिंग है हमारा पर्पज़ जो होता है वो होता है एग्जाम को क्वालिफ़ाई करना सो so, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आप हमेशा एक बैलेंस बनाने पर ज़्यादा फोकस करिए आपको पॉलिटी भी आना चाहिए आपको इकोनॉमी भी आना चाहिए जोग्राफी हिस्ट्री साइंस सी सेट यू हैव टू बी गुड इन ऑल दीज डोमेन्स ऑल दीज डोमेन्स एट द सेम टाइम आपको एम सी क्यूज भी सॉल्व करने चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करो आंसर राइटिंग करो सो द आइडिया इज़ यू हैव टू बी गुड इन एवरी थिंग यू हैव टू बी गुड इन एवरी थिंग और एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है बैलेंस बनाना ज़रूरी है और यू हैव टू बी रेगुलर और अंडर प्रेशर परफॉर्म करना भी आना चाहिए आज इंडिया देखो हार गया सेमीफाइनल में द प्रॉब्लम इज कि हम प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं यही एक चीज डिफ्रेंशिएट करेगा अगले चार महीने में सक्सेसफुल कैंडिडेट और जो डिलीवर नहीं कर पाएंगे उनपे यू हैव टू लर्न द लर्न टू हैंडल दिस प्रेशर हैंडल दिस प्रेशर सो द आइडिया इज कि ये सारी चीजों पे हमें साइमल्टेनियसली वर्क करना चाहिए एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एज वेल कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन सी ये टेलीग्राम क्विज है अब आप एवरी डे बेसिस पे ये क्वेश्चन को क्विज फॉर्मेट में सॉल्व करो ऐसे तो आपने आंसर्स देख लिए आपको पता है ठीक है सिक्सटी फाइव ट्वेंटी फाइव नहीं ये का दिस एंड दैट बट जब आप इसको खुद अटेम्प्ट करोगे और अपनी गलतियों को देखोगे तो यू विल से कि क्या आप सवाल को ढंग से पढ़ते हो क्या आप ऑप्शन एलिमिनेट करते हो आपको रियल टाइम पे पता चलेगा कि ये सही है या ये गलत है और या टूल टिप में मैं इसके आंसर्स भी दे रहा हूँ सो दिस विल डेवलप दिस एमसी क्यू करेक्ट करने का जो एप्टीट्यूड होता है ये आपको बहुत हेल्प करेगा तो सॉल्व दीज एमसी क्यूज एवरीडे बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है जस्ट सॉल्व दीज फाइव एम सी क्यूज एवरी डे मोर देन सफिशेंट बट डू इट एवरी डे सिमिलरली ये टेलीग्राम क्विज देखना है ये जो फैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज मैं आपको करा रहा हूं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सिटर आते हैं वो गलत नहीं करोगे वो प्रिपेयर हो जाएगा सो विच गवर्नर जनरल वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट द आंसर इज लॉर्ड रिपन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने बुद्धा गेव इज फर्स्ट समन एट द डियर पार्क इन सारनाथ हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन द आंसर इज बानभ एंड वॉट वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लवा डायनेस्टी द आंसर इज कांचीपुरम सिमिलरली आज के सवाल हैं हु वॉज द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विच लीडर ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट वॉज कॉल्ड द द कॉल्ड

ौतम बुद्धा टूक हिस्सा पास अवे सो ये पांच सवाल है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है यह सवाल भी आप जवाब दीजिए इसके बारे में ढूंढिए पता करिए एंड सोल्व दीज फाइव एमसीक्यू फाइव फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन काफी हेल्पफुल रहेगा सिमिलर इज द थिंग विद वोकैबुलरी स्टूडेंट्स को बहुत नॉलेज होता है बट दे आर नॉट एक्सप्रेसिव दे आर नॉट एक्सप्रेसिव रिटर्न वर्बल कॉम्युनिकेशन में एक्सप्रेसिव नहीं होने के कारण फिर मेन्स और इंटरव्यू में काफी प्रॉब्लम आती है सो द प्रिपरेशन का आइडिया ये नहीं है कि बस हम प्रिलम्स क्वालिफाई करना है नो यू हैव टू क्वालिफाई ऑल द स्टेजेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन सी प्रोफाइल एक्टिक का मतलब है प्रतिबंधक कंसर्न विद और सर्विंग टू कीप समिंग फ्रॉम हैपनिंग प्रिवेंटिव प्रिकॉशनरी एगिंग का मतलब है अनुरोध करना अर्ज और एनकरेज someone to टू डू especially समथिंग फुलिश और रिस्की फ्रिटर मतलब होता है व्यर्थ नष्ट करना वेस्ट टाइम मनी और एनर्जी ऑन trifling मैटर स्क्वांडर वेस्ट misuse. इन रेपिड है निडर है स्ट्रेंथ ऑफ माइंड टू कैरी ऑन इन स्पाइट ऑफ डेंजर करेज है वॉल्यूबल है, है. मतलब बातों नहीं होता है टॉकिंग फ्लूटली रेडली और इनसे सो ये वो कैब वर्ड है आज के लिए इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो अब ये आंसर राइटिंग है आंसर राइटिंग भी डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ लिखना चाहिए राइट टू टू थ्री पेजेस एवरीडे सो so, ये पहला सवाल है बड़ा अच्छा सवाल है इमरजेंसी प्रोविज़न ये हम पॉलिटी में अभी आज कंप्लीट कर लेंगे इमरजेंसी प्रोविज़न इमरजेंसी प्रोविजन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर इस पे एक शॉर्ट नोट तैयार करिए प्रिपेयर अ नोट ऑन द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इसका एक बहुत अच्छा मैप बनाइए यहाँ अंडमान निकोबार से रिलेटेड स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक जोग्राफिकल ह्यूमन जोग्राफी पॉलिटिकल या फिर अगर हम देखें कि न्यू मिनरल्स एनर्जी रिसोर्सेज एट्सट्रा इस पूरे ग्रुप के बारे में सारी चीजों को कलेक्ट करिए कंपाइल करिए और ये आंसर तैयार कर लीजिए ये होते ही आपका एक बहुत बड़ा दिस जो इंपॉर्टेंट हाईडिंग टॉपिक है वो कवर हो जाएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस टॉपिक से सवाल आएगा अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड सिमिलरली ये सोशल मीडिया अपडेट है तो जाने जानते हैं तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स प्राइमरली डिपेक्ट सीन्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ गॉड्स रामा एंड कृष्णा क्या भरतनाट्यम है कत्थक है सत्रिया है और कत्थकली इनमें से सही जवाब क्या होगा बताइए और साथ ही साथ ये भी बताइए इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स और कितने होते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज फोर वॉट ऑल आर इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म ये है कमाइचा नून एज हार्ट एंड सोल ऑफ राजस्थान फोक म्यूजिक ये एक इंपॉर्टेंट वाइब्रेंट कल्चर होता है मंगन या का अब देखिए मंगन या जो है ये प्रिलिम्स 2014-15 का सवाल है मेजॉरली जो मंगन या कम्यूनिटी होती है ये वेस्ट राजस्थान की होती है ये इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं कमाइचा सॉन्ग्स होता है इस इस इंस्ट्रूमेंट को स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इसमें से तार होते हैं जैसे गिटार होती है इसमें स्ट्रिंग्स होते हैं और उसको प्लग करके ये सॉन्ग प्ले होता है म्यूज़िक प्ले होता है आप बता सकते हैं ये लीडर कौन है गेस द नेम ऑफ दिस भारत रत्न भारत रत्न बूझो तो जाने आप नाम बताइए केरला म्यूराल पेंटिंग म्यूराल का मतलब क्या होता है टेल तो ये केरला की म्यूराल पेंटिंग है केरला की म्यूराल पेंटिंग है ये आइकॉनिक सिंबल है इंडिया आर्ट एंड कल्चर का इसमें डीटीज फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है कॉप ट्वेंटी सेवन चल रहा है अभी इसमें थोड़ा पेशेंस देखते हैं सारा कवर होते ही हम इसको वन शॉट में पूरा कवर कर लेंगे कॉप ट्वेंटी सेवन तो वर्ल्ड को टुगेदर आना चाहिए बिकॉज मैनग्रोव ना सुनामी साइक्लोन से बचाते हैं और ग्लोबल नॉलेज बेस हो रेड प्लस प्रोग्राम है जिसमें हम दिस प्लांटेशन एट्रा फॉरेस्ट डिफॉरस्टेशन को दूर करने की बात करते हैं इन सब को सिंक में दिस हमें मैनग्रोव अलायंस एंड दिस क्लाइमेट रिजाइलेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलप करने की बात कर रहे हैं अब यहाँ कुछ नाम लिखे हुए हैं जैसे इंडिया ने लीडरशिप दिखाया है स्वच्छ भारत मिशन में स्कीम में गोबर्धन स्कीम में और गिव इट अप कैंपेन में गिव इट अप कैंपेन में देन कैच द रेन एक ये नया कैंपेन है गवर्नमेंट का और ये नज कर रहा है स्टेट्स टू फोरकास्ट हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल कैच द रेन कैंपेन है ये so, सो ये हो गया सोशल मीडिया अपडेट नाइन्थ टू फोर्टींथ नवम्बर इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस माना गया है नोवर नाइन टू नवंबर इंस्पायर प्रमोट पीस इन द कंट्री और साइंस जो है साइंस हमारा एक बेन नहीं है दिस इज अ बून साइंस जो है ये एक बून होना चाहिए सो so, और साइंस शुड एक्ट एज लाइक अ फोर्स ऑफ पीस फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए तो इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस 1886 से ऑब्जर्व कर रहे हैं दिस इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एक वर्ड अक्सर हम देखते हैं ग्रीन वॉशिंग ग्रीन वॉशिंग ग्रीन वॉशिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन और प्रोवाइडिंग मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हाउ अ कंपनीज प्रोडक्ट कंपनीज प्रोडक्ट आर मोर एनवायरमेंटली साउंड अक्सर चार्जर नहीं देते लोग चार्जर नहीं देते ईयरफोन्स भी नहीं देते टेलिंग की इससे वेस्टेज को कम कर रहे हैं ये और ये एनवायरमेंटली साउंड है तो क्या ये ग्रीन वॉशिंग नहीं होगा ग्रीन वॉशिंग इज कंसिडर्ड एन अनसबस्टेंशिएटेड क्लेम टू डिसीव कंज्यूमर्स इन टू बिलीविंग दैट अ कंपनीज प्रोडक्ट्स आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑल दो रिसाइकल्ड मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है हम उसके फुटप्रिंट्स को कम कर रहे हैं कार्बन फुटप्रिंट्स विच इज़ गुड बट क्या अगर ये आई वॉश होता है एनवायरमेंटल एफर्ट्स तो वो कहलाता है ग्रीन वॉशिंग जैसे फ्लफी लैंग्वेज यूज होगा ग्रीन प्रोडक्ट वर्सेस डर्टी कंपनी वो डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे सजेस्टिव पिक्चर होगा, इरेवेंट क्लेम होगा बेस्ट इन क्लास क्लेम होगा जस्ट नॉट क्रेडिबल होगा देन गॉबल्ड गुक होगा वो गॉबल्डली गुक होगा मतलब जार्गन फुल ऑफ जार्गन एटसेट्रा जो कॉमन मैन समझ भी नहीं पाएगा इमेजिनरी फ्रेंड्स नो प्रूफ आउटराइट लाइन तो ये चीज अक्सर कॉप ट्वेंटी सेवन में भी देखा गया था अभी बात हुआ था कि क्लाइमेट के नाम पर ग्रीन वॉशिंग होता है क्लाइमेट चेंज के नाम पर तो दिस इज अगेन अ टॉपिक जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए ये है लोगो लुक एट दिस लोगो भारत 2023 इंडिया वसुदेव कुटुंबकम वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर तो इस लोगो के बारे में जानते हैं जी ट्वेंटी वसुदेव कुटुंबकम तो इंडिया की अभी प्रेसिडेंसी है जी ट्वेंटी का इसका लोगो अनवील हुआ अभी लोटस जो है ये हमारा नेशनल फ्लावर है लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर सेवन पेटल्स हैं यहाँ पे और ये सेवन कॉन्टिनेंट्स ऑफ द ग्लोब को यहाँ पे बताता है म्यूजिक में भी सात सुर होते हैं सेवन नोट्स होते हैं वो भी यहाँ पे रिप्लाई यहाँ पे वो दिस डिपेक्ट कर रहा है जी ट्वेंटी वर्ल्ड की टॉप ट्वेंटी इकोनॉमीज होती हैं टॉप ट्वेंटी इकोनॉमीज़ तो इनके वाइब्रेंट कलर इंडियन नेशनल फ्लैग सेफ्रॉन व्हाइट एंड ग्रीन यहाँ पे दिखाया है ब्लू अर्थ द प्लैनेट इज ब्लू ये बताता है प्रो प्लैनेट अप्रोच टू लाइफ परफेक्ट हार्मोनी विद नेचर होना चाहिए जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी बिकॉज टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री रेसेशन ईयर भी बोला जा रहा है सी ग्लोबल इकोनॉमिक सिक्योरिटी जरूरी होगी अब जी ट्वेंटी में बिकॉज ये फाइनेंशियल जो टॉप इकोनॉमीज़ है उनका ग्रुप है तो यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट से होता है और उनके लिए शेरपाज होते हैं ये एक वर्ड है जो पर्टिकुलरली जी में यूज़ होता है शेरपा शेरपा क्या होता है वो वहाँ के जो कंट्री है ना उसको रिप्रेजेंट करता है रिप्रेजेंट करता है और एक कंसेंसस कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करता है तो शेरपाज वर्क टुगेदर विद द फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ तो ये मीटिंग काफ़ी सिग्निफिकेंस होने वाला है जी ट्वेंटी वी विल री ये सी है सी इंडिया का इनिशिएटिव है सी और इसमें हम बोलते हैं कि हमें क्लाइमेट रिजाइलेंट बनना है क्लाइमेट रिजाइलेंट बनना है और जो डिजास्टर्स होते हैं उनके इम्पैक्ट को कम करना है अब ये बड़े अच्छे हेडर्स हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सी का मिशन जो है उसमें है गवर्नेंस एंड पॉलिसी में चेंजेस करें रिस्क आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है और सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी कहाँ है वल्नरेबिलिटी मैप बनाए और उसका एस्टिमेशन करें रिजाइलेंस स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन कैपेसिटी डेवलपमेंट कम्युनिटी अवेयरनेस एंड कैपेसिटी लोगों में जागरूकता फाइनेंस रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन इनोवेटिव एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी तो सी में ये मिशन में ये कुछ बातें बताई गई है इंडिया सी और एक है नेश दिस इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मिशन हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में इसका फॉर्मेट थोड़ा अगेन आई एम गोइंग टू चेंज रीजन बीइंग कि एक तो एन स्टार्ट करना है उसमें बहुत डिले हो रहा है दूसरा लाइव क्लासेस का भी अब दिस जो टाइमिंग है वो इंक्रीज कर रहे हैं बिकॉज एग्जाम आ रहे हैं अब ज़्यादा उधर फोकस करना होगा तो न्यूज़ पेपर आई एम ट्राइंग कि न्यूज़ पेपर में एक तो अर्ली मॉर्निंग ट्राई करता हूँ और इंस्टेड ऑफ हैविंग ऑल द थिंग्स इन वन न्यूज़ पेपर वीडियो लेटेस्ट ब्रेक इट लेटेस्ट ब्रेक इट सो कल एक एक्सपेरिमेंट करते हैं लेटेस्ट सी फॉर टुडे आज हम नाइन्थ और टेंथ को डिस्कस करते हैं निकोबार प्रोजेक्ट गेट निकोबार प्रोजेक्ट गेट्स एस एंड फॉर डाइवर्जन ऑफ वन थर्टी स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट अभी जो अंडमान एंड निकोबार है ये द्वीप है द्वीप है इस पर आप एक नोट तैयार करना ये द्वीप है और वॉलैनिक इन ओरिजिन है वॉलैनिक इन ओरिजिन यहाँ जो है ना दिस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट टाइप का बहुत डेंस रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर और बायोडाइवर्सिटी भी है अब अंडमान एंड निकोबार का स्ट्रेटेजिक भी है स्ट्रेट ऑफ मलक्का आ गया इंडियन ओशन आ गया तो हम यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं समथिंग लाइक सिंगापुर टाइप हम इसको बहुत मॉडर्न एडवांस बनाना चाहते हैं एंड फॉर दैट रीजन फॉर दैट रीजन हम यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली क्लियर करना पड़ेगा फॉरेस्ट को तो अभी ये बात है कि आठ लाख ट्री यहाँ पे दिस जो होगा ट्री फॉरेस्टेशन होगा लेट सी गवर्नर वर्सेस वीसी है एंड दिस इज एडिटोरियल अननेसेसरी सिग्नल रेगुलर टॉक है अभी जो शाम अल शेख इजिप्ट में अभी जो कॉप ट्वेंटी सेवन मीटिंग चल रहा है कंसेंसस है कि हम डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी की तरफ हम प्रोग्रेस कर रहे हैं प्रॉब्लम है कि बार्गेनिंग बहुत मुश्किल हो जाता है फाइनेंस का अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कॉप की जो मीटिंग्स होती हैं ये नॉन बाइंडिंग होती है सिग्नेटरी मेंबर स्टेट्स में और दैट इज़ इस वाई इसको एट टाइम्स बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स जो बहुत बड़ा फोर्स है व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज वो भी जैसे लास्ट टाइम एग्जिट हो गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रंप अब बाइडेन के टाइम पे ज्वाइन कर लिया है बट इन सब चीज़ों से क्रेडिबिलिटी लूज होती है ग्लोबल वार्मिंग इज अ फैक्ट क्लाइमेट चेंज इज अ फैक्ट सी लेवल राइज इज फैक्ट सी एसिडिफिकेशन ओशन एसिडिफिकेशन इज अ फैक्ट सो वी नीड टू फाइंड सोल्यूशन साइंस के बेस्ड हम सोल्यूशन फाइंड करें एथिकली कलेक्टिवली यहाँ पर आगे बढ़े तो इट इज़ दस एप्रोप्रिएट होगा कि कॉप ट्वेंटी सेवन का जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वहां पे हम बात करें वरना अक्सर क्या होता है बातें बड़ी होती है बट उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए लास्ट टाइम का जो ग्लासगो समिट था इसमें भी बहुत सारी दिस इनिशियेटिव हुए थे इंडिया ने भी पंचामृत बताया था कॉप ट्वेंटी सेवन में भी मैसेज लाउड एंड क्लियर है पीस पॉवर्टी इसकी जगह नहीं है वॉर पीस और पॉवर्टी इंडिया को यहाँ पर और वर्ल्ड को भी क्लाइमेट और इससे एसोसिएटेड रिस्क को एड्रेस करना चाहिए सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए नो इज डिरेलिंग काउंटर टेरर डिप्लोमेसी अब सी जो टेररिज्म है टेररिज्म की कोई प्लेस नहीं है मॉडर्न सोसाइटी में मॉडर्न सोसाइटी में किसी भी कंट्री मॉडर्न सोसाइटी में टेररिज्म की कोई जगह नहीं है अब टेररिज्म के लिए डिफिकल्टी आती है जैसे पाकिस्तान को पहले हमने रखा था दिस ग्रे लिस्ट में बट अभी कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए तो अभी ग्रे लिस्ट से बाहर है विच इज़ वर्थी बट अभी इनस्टेबिलिटी भी है पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन है वो चाइना ब्लॉक कर देता है सो द आइडिया इज की दिस वेन इट कम्स टू टेररिज्म द वर्ल्ड शुड पुट अ यूनाइटेड फ्रंट द ट्रूथ इज ग्लोबल इनक्वालिटी इनिक्विटी फूड एंड एनर्जी शॉर्टेज क्लाइमेट चेंज पैंडमिक्स ये एक बहुत बड़े ड्राइवर ऑफ स्ट्राइफ एंड वॉयलेंस होने वाले हैं जब ऐसी शॉर्टेज आती है कैटेस्ट्रॉफी होती है तो कंट्री पीपल स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर सो दैट इज वाई इन चैलेंजेस को टेररिज्म ही नहीं इन चैलेंजेस को भी हमें एड्रेस करना चाहिए एनर्जी शॉर्टेज ग्लोबल इनिक्विटी फूड ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस एंड दिस वॉर का मुद्दा बन सकता है इन इन द फ्यूचर सो जी ट्वेंटी कॉपरेशन भी है एस सी ओ कॉपरेशन भी है जो रूट कॉजेज हैं जिससे इनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है वर्ल्ड इन चीज़ों को देखना चाहिए बाकी रेगुलर टॉक्स है इसमें दिस जो फॉरेन पॉलिसी है हमारी वो टेररिस्ट और इससे रिलेटेड स्ट्राइफ रिडन वर्ल्ड में नॉर्मल सी रिस्टोर करने की कोशिश करें। ये रिटायर्ड जनरल मनोज मुकुंद नवा ने साहब ने लिखा है अग्निपथ डायरेक्शन अग्निपथ स्कीम है लेटेसी देन दिस इज को रेगुलेशन इज जरूरी को रेगुलेशन क्या होता है एक तो होता है कि गवर्नमेंट लॉज रेगुलेट करे लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ट्रैफिक लॉ ब्रेक किया तो ट्रैफिक लॉज ट्रैफिक रूल्स आप पे पेनल्टी लगाएगा रेगुलेट करेगा इससे बेहतर चीज़ होगा कि आप खुद से ट्रैफिक का पालन करें तो सिमिलरली जितने आई टी जाइंट हैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है बीट फेसबुक यूट्यूब वट एवर इनके ऊपर अगर इंटरमीडियरी जैसे गवर्नमेंट ने अभी डिजिटल जो कंपनीज हैं इनके रिलेटेड एक लॉ लाया है आई टी इन पे अगर खुद से को रेगुलेशन की टेंडेंसी हो तो इससे गवर्नमेंट का वर्क भी कम होगा और ये बेटर यहाँ पे जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो इंश्योर हो पाएगा को रेगुलेशन क्रॉस चेक हो चेक एंड बैलेंस हो और जो यूजर्स हैं यूजर्स में भी एक बेटर टेस्ट होने की ज़रूरत है बेटर टेस्ट होना चाहिए एवरीथिंग इज़ नॉट एंटरटेनमेंट एवरीथिंग इज़ नॉट लाइक वायरल एव जो चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको सेंसिबली देखना है तो वो चीज़ होना चाहिए को रेगुलेशन होना चाहिए बिकॉज इन द एंड यूज़र जो कंटेंट ज़्यादा देखते हैं वही प्रमोट होता है सो इट इज नॉट अबाउट की कॉन्टेंट क्रिएटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कॉन्टेंट कंज्यूमर है वो भी इक्वली पार्टनर इन क्राइम है जब इस तरीके से सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ हेट ट्रेड एट्सेट्रा जब वायरल होता है और इसका डिवास्टेशन हम अपनी दिस डे टू डे लाइफ में देखने को देखते हैं सो को रेगुलेशन हैज़ टू बी देयर यूजर डिस्क्रिप्शन ऑल्सो हैज़ टू बी देयर

बात यह है कि जैसे प्यूबर्टी है है ना अब कल हमने देखा था ट्राइबल कल्चर में भी देखा था अगर से अगर लेस देन सिक्सटीन है लेस देन सिक्सटीन है तो अगर वहाँ पे सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व है तो उसमें पॉक्सो लॉ लग जाता है पॉक्सो लॉ लग जाता है और ये बहुत स्ट्रेंजेंट लॉ है सो द आइडिया इज़ द एस्पेक्ट ऑफ कंसेंट बाय अ गर्ल ऑफ सिक्सटीन ईयर्स बट हु इज़ बिलो एटीन ईयर्स वुड हैव टू बी कंसिडर्ड इफ इट इज इन डीड एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड और द पॉक्सो एक्ट तो ये जो ब्रैकेट है ये जो ब्रैकेट है इसके बहुत सारे केसेस आते हैं और कई बार ये देखा भी गया है कि जो बॉय है वो भी लाइक लेस देन 18 है वो भी लेस देन 18 है तो क्या इस बॉय पे फिर दिस सच टाइप ऑफ सच टाइप ऑफ पॉक्सो के चार्जेस लगाना करेक्ट होगा या नहीं होगा अंडर द पॉक्सो एक्ट टू थाउजेंड ट्वेल्व सेवरल प्रोविजन ऑफ आई

अंडर द पॉक्सो एक्ट एंड हैंसर कंसेंट डज नॉट मैटर तो यहाँ चाइल्ड माना जाएगा और उसमें कंसेंट मैटर नहीं करती है एंड एनी सेक्शुअल इंटरकोर्स ट्रीटेड एज अ रेप दस ओपनिंग इट अप फॉर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट तो इससे क्या होता है जैसे कल हमने देखा था एक ट्राइबल कम्यूनिटी में अगर ऐसे केसेज हैं म्यूचुअल कंसेंट से भी है कंसेंट से भी है बट वहाँ पर भी उनको पॉक्सो के अंदर बुक किया जा रहा है तो दिस इज वन थिंग

क्स्ट वन एंड वर्ड ऑफ द है फ्लैगमैटिक इसका मतलब है इसका मतलब है इमोशन लेसनेस और इम्पैसिव। ओके सो जैसे इसका एग्जाम्पल है इवन दो शी वर्क शी वर्कस अ हाई स्ट्रेस जॉब शी हैज अ फ्लैगमैटिक टेम्परामेंट अक्सर हम देखते हैं डॉक्टर्स एट्सेट्रा वो इतना सारा डिफिकल्ट सिचुएशन में वर्क कर रहे होते हैं तो हम एट टाइम्स बोल देते हैं कि डॉक्टर्स इमोशन लेस हो गए हैं तो दिस इज शोइंग लिटिल इमोशंस बट दिस इज एट टाइम्स रिक्वायर्ड व्हेन इट कम्स टू मेडिकल प्रोफेशन सो दैट वो अपना वर्क बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाए सो दिस इज वर्ड ऑफ द डे देन सेंटर अल्यूट फॉर ओरिजिन चीफ ऑफ इंडियन फ्रेंच एयर फोर्स है जिन्होंने ज्वाइन किया गरुड़ सिक्स सेवन गरुड सेवन एयर एक्सरसाइज गरुड सेवन एक्सरसाइज और ये किसका है इंडिया एंड दिस चीफ ऑफ इंडियन फ्रेंच एयरफोर्स फ्रांस एयरफोर्स गवर्नेंस। विजिलेंट मीडिया वार्निंग रॉक स्लाइड और एवाल इन तीनों के मतलब बताइए फ्लड्स क्या होता है रॉक स्लाइड क्या होता है और एवालॉन्च क्या होता है हम पढ़ते हैं ना सिलेबस में भी लिखा हुआ है नेचुरल डिजास्टर्स ह्यूमन हिमालयन स्टेट्स में इंडिया रेडी टू हेल्प डी रिस्क यूक्रेन सिचुएशन जयशंकर साहब ने रशिया को बताया दिस इज रियली गुड इंडिया एक्टिवली यहाँ पे ग्लोबल पीस के लिए काम कर रहा है वेरी गुड सो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे मॉस्को में बताया कि यूक्रेन के साथ भी हमारे लाइक टाइज हैं और रशिया के साथ भी टाइज है अगर दोनों कंट्री अग्री करता है तो इंडिया यहाँ पे पीस ब्रोकर कर सकता है देन यू एन चीफ स्लैम्स कंपनीज एंगेजिंग इन टॉक्सिक कवर अप देन जेलेंसकी ओपन टू टॉक्स विद रशिया देन यू एस गोज टू मिड टर्म पोल देन एनवीडिया न्यू चिप चिप का भी एक बहुत बड़ा अभी क्राइसिस आने वाला है चिप को एज अजन इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में देन बैंक प्राइसिंग रिस्क पोअरली ऑयल स्लिप हुआ एंड दिस इज दिस इज नाइंथ ऑफ नाइन्थ ऑफ नवंबर। अब हम आते हैं टेंथ आज के पेपर में रिपब्लिकन्स मे गेन्स इन यूएस मिड टर्म पोल्स बट नो रेड वेव सी रिपब्लिकन्स तो यूएस में प्राइमरली दो बड़ी पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक है डेमोक्रेट्स जिसके अभी अभी प्रेसिडेंट हैं मिस्टर बाइडेन, और एक है रिपब्लिकन जिसके पहले प्रेसिडेंट थे मिस्टर ट्रम्प मिस्टर ट्रम्प यूएस में क्या हर पाँच साल बाद चुनाव होते हैं आंसर और यूएस प्रेसिडेंटशिप में भी क्या कोई टैप है कि कितने टर्म्स आपको मिल सकते हैं यूएस प्रेसिडेंटशिप के आंसर देन रैटल्ड हिल्स ये है रिड्यूस टू रबल दिस इज अर्थ क्वेक देन चाइनीज नेशनल एंड दिस इज नेक्स्ट वन देल इज यर क्वालिटी इम्प्रूव टू पुअर कैटेगरी सम रिलीफ पुअर कैटेगरी पे भी हम खुश हो रहे हैं बिकॉज पहले बहुत ही ज्यादा डिटेरट हो गया था वेरी पुअर हो गया था तो लिटिल इंप्रूवमेंट सिडरिंग कंसेंट अब देखिए यहां पर भी सेम चीज़ है कंसेंट के बारे में क्या डिसीजन यहां पे लिया जाए द एक्ट वॉज इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल अब्यूज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द एक्ट वॉज इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल अब्यूज एंड इट रेज द एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्शुअल इंटरकोर्स फ्रॉम सिक्सटीन टू एटीन ईयर्स बट इन प्रैक्टिस

और फिर इट क्रिएट्स ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन अगेन इसमें जो व्यू पॉइंट है वो ये है कि जैसे जस्टिस जे एस वर्मा कमेटी ने भी बताया था इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं व्यू पॉइंट ये है कि वी नीड टू सेफ गार्ड अवर चिल्ड्रेन वी नीड टू सेफ गार्ड अवर चिल्ड्रेन बट एट द सेम टाइम अगर पॉक्सो का मिस यूज़ होता है तो देन ऑल्सो देयर शुड बी सम सेफ गार्ड देर शुड बी सम सेफ गार्ड तो देअ रिक्वायर्स की इसमें पूरे में थोड़ी और क्लैरिटी आना चाहिए

हम कुछ राज्यों में देखेंगे वहाँ की पुलिस बहुत हाईटेक है उनके पास सारे इक्विपमेंट्स हैं पुलिसिंग बेटर है कुछ राज्यों में अभी वो चीज़ें नहीं है सो देर शुड बी सम यूनिफॉर्मिटी प्लस एक और जो अक्सर डिफिकल्टी आती है गवर्नमेंट जॉब्स में भी ये बोला जाता है कि क्या होता है कि टैलेंट की इतनी कदर नहीं होती टैलेंट की इतनी क़दर नहीं होती तो द आइडिया इज़ वी नीड टू वी नीड टू टेक केयर ऑफ टैलेंटेड पीपल टैलेंटेड पीपल अभी इतने सारे हर साल यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम निकालते हैं इतने सारे ऑफिसर्स बनते हैं क्या आपको लगता है सारे ऑफिसर्स एक जैसे होते हैं या फिर एग्जाम निकालने के बाद वो सेम इंटेंसिटी सेम पैशन के साथ बड़े अच्छे से अपनी ड्यूटी भी करते हैं नो सो द इज यू नीड टू आइडेंटिफाई जो ये पूल में टैलेंट आता है इसको आइडेंटिफाई करो और उस टैलेंट को एनकरेज करो उस टैलेंट को रिटेन करो ये ह्यूमन रिसोर्स जो है ये सबसे बड़ा पावर होता है बिकॉज यू आर यू आर गेटिंग सो सो मैनी क्वालिफाइड लाइक में एवरी ईयर यू गेटिंग सो मेनी क्वालिफाइड यू यू नीड नीड टू टू ग्रूम यूज वाइजली तो पुलिस जो है स्टेट सब्जेक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य स्तर पे बोला गया है ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी इज फ्यूचर टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना चाहिए और जो पेटी स्क्वाबलिंग वगैरह होता है इन सब चीजों से ऊपर उठना चाहिए तो दीज आर सर्टेन डॉक्स एनफोर्सिंग द बैन ऑन द टू फिंगर्स टेस्ट दिस इज नॉट राइट तो ये अब कंप्लीटली बैन है कम्पलीटली बैन है ये अनसाइंटिफिक भी था और इसका कोई यूटिलिटी नहीं है एंड इट इज वेरी रेग्रेसिव होप्स फॉर अ क्लियर ब्लू स्काई कुछ दिन पहले जो हमने रेगुलर टॉपिक देखा था क्या डिफिकल्टीज आ रही है दिल्ली में पॉल्यूशन उसी का यहाँ पर लाइक like एक्सपेंशन है ब्लू स्काई का मतलब होता है कि पॉल्यूशन फ्री दिख रहा है वरना अक्सर पॉल्यूशन इतना हो जाता है कि आसमान धुंधला पड़ जाता है तो क्लियर ब्लू स्काई का मतलब पॉल्यूशन हमें कम करना है देन ऑन क्लाइमेट एक्शन बुक्स दैट टेल अस व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट कैन बी डन तो सिचुएशन इज नॉट दैट गुड वी नीड टू है लॉट मेनी थिंग्स देन स्पीकर अप्लाइड द गिलोटाइन गिलोटाइन क्या होता है जब बहुत सारे बिल्स जैसे पास करने हैं बट टाइम कम हो रहा है तो आप सबको यस yes कर दोगे वो गिलोटाइन हो गया पार्लियामेंट में अक्सर ये प्रोसीजर चलता है इट इज़ मैथड ऑफ कटिंग शॉर्ट द डिस्कशन बिना डिस्कशन के ही सारे बिल्स पास हो गए बाई फिक्सिंग टाइम्स ऑफ टेकिंग टेकिंग वोट्स देन मे आई नो योर नेम प्लीज़ इज़ गुड अक्सर हम हम इंडियंस बोलते हैं गुड नेम क्या है एक्चुअली हम हिंदी से सीधा इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं गुड नेम नहीं होता नेम सारे अच्छे होते हैं यू कैन जस्ट आस्क मे आई मे आई नो यूर नेम प्लीज़ ओके वर्थ हिज सॉल्ट मतलब वो जितना इंपॉर्टेंस दिया गया उतना वर्थ इज सॉल्ट नहीं आया इंडियन बैट्समैन इतना अच्छा बताया आज कुछ अच्छा खेले ही नहीं नॉट वर्थ हिज सॉल्ट बॉलर्स भी अच्छा नहीं खेले मॉकेश मतलब होता है और इनसिंसियरली इमोशनल तो कल हमने वर्ड देखा था वो था इमोशन कल के पेपर में देखा था ना इमोशनलेस दिस वॉज द वर्ड दिस इज फ्लैगमेटिक शोइंग लिटिल इमोशन और ये वर्ड है मॉकेश एफ्यूजिवली और इनसिंसियरली इमोशनल मुशी है सेंटिमेंटल है सैपी है तो ऑफिसर्स को ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यू अगेन गेट बिकम वेरी इमोशनल इन दिस एंड दैट इससे आपका जजमेंट हैम्पर होता है द मूवी वॉज फाइन इन द बिगिनिंग बट बिकम ऑकवर्डली मॉकिश टूवर्ड्स द एंड टू सी द इंपोर्टेंस ऑफ वोकैब वकैब होना चाहिए वरना लिमिटेड चॉइसेस होती है ना तो फिर लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं आता और फिर वर्बोसिटी बहुत हो जाती है जो चीज़ आपको एक शब्द में लिखना चाहिए आप एक शब्द में मौकिश बोल सकते हो बट आपको ये वर्ड नहीं पता है तो फिर आप इसको चार लाइन में बताओगे कि इसका मतलब है वो इमोशनल ज़्यादा है बहुत इनसिंसियर है दिस मुशी है लाइक दैट नो सो दैट इज़ वाई क्रिस्प राइटिंग तब होती है जब आपका वोकैब अच्छा है वोकैबुलरी दैट इज़ वाई इंपॉर्टेंट

मिलिट्री यूनिफॉर्म में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इंस्पेक्ट द सीएमसी सी ज्वाइंट ऑपरेशन कमांड सेंटर ऑन ऑनडे तो ये जो टर्म है अभी दिस इज अगेन गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग ट्रेड हुआ मेटा में भी जॉब कट हुआ इलेवन थाउजेंड जॉब हुआ बिगेस्ट यूएस दिस ईयर और ये हो गया स्पोर्ट्स ऑल राइट सो ये तो हो गए दिस द हिंदू कवरेज अब हम देखते हैं आंसर राइटिंग फोर्थ ऑफ नवंबर का बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल था बिकॉज अभी दिल्ली में देखा इतने सारे लोगों को स्लम्स में स्लम्स को हमें कम करना है हमें स्लम्स को दूर करना है वी आर नॉट अगेंस्ट द पीपल हु आर लिविंग इन स्लम्स दिस इज द मैसेज वी हैव टू वी हैव टू स्लम्स जो है स्लम्स मतलब दे आर आइडेंटिफाइड कि वहां पर लाइक लिविंग कंडीशन आर नॉट गुड उन चीजों को बेहतर करना है सो वी आर नॉट अगेंस्ट पीपल सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द स्लम्स इन इंडिया और वो बेहतर कैसे हो सकता है रूट कॉजेस क्या है इनोवेटिव मेजर्स क्या है बहुत हाई एल्डिंग क्वेश्चन है इससे सवाल 100 परसेंट आएगा सी अब इसमें आंसर राइटिंग देखते हैं अब देखो इसको आपने इंटरनेट पर अच्छे से पढ़ा देखा उसको कंपाइल किया अभी ये चीज कंसोलिडेट हो गई और यही चीज रिक्वायर्ड होती है यही चीज रिक्वायर्ड होती है ऐसे आप बहुत देख लेते हो वीडियोस पढ़ लेते हो किताबें बट अगर उसको कंसोलिडेट नहीं करोगे तो इट इज नॉट गोइंग टू रिटेन ये रिटेन नहीं होगा ओके इज द पेज नंबर वन दिस इज फाइव फोर थ्री टू पेज नंबर वन आई थिंक मिस हो गया है हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो जैसे स्लम का बताया अर्चना ने स्लम्स क्या होते हैं कुछ एग्जाम्पल्स भी बताया धारावी देन भालसवाब Very good. Population, census, underline भी करो इसमें फिर slums क्या होते हैं 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 का definition बताया Very good. कुछ एक बना बना सकते हैं. Okay? Diagram बना सकते हैं. उसको रिप्रेजेंटेटिव दिखाने के लिए कॉलोनी बना हुआ है कंजेस्टेड गेटो वेरी गुड अनवीलिंग एग्जिस्टिंग ह्यूमैनिटीज न्यूट्रिशन हंगर अब देखो ये कितना अच्छा सेग्रीगेट किया है ये 14 points are beautiful. कॉजेज दैट क्रिएट स्लम्स एंड एक्सपैंड स्लम्स ब्यूटिफुल इन द सेंस क्वेश्चन को डिलीवर कर रहा है ये ये जो पॉइंट्स है रूरल अर्बन लेबर ये सारे पॉइंट्स बताए रूरल अर्बन माइग्रेशन फिर इशूज भी बताया आपने डिसीज सोशल लेवल्स क्राइम पॉवर्टी और ये गवर्नमेंट इनिशियेटिव इस पार्ट को थोड़ा और एक्सपेंड करिए गवर्नमेंट इनिशियेटिव देन प्रेरणा प्रेरणा ने आंसर राइटिंग रिज्यूम किया है एम वेरी हैप्पी स्लम्स के बारे में बताया सेंसस डेटा अब देखो

सी डायग्राम दिस इज सो गुड सी डेटा प्रेजेंटेशन विजुअल्स बेटर होने चाहिए विजुअल्स बेटर होने चाहिए और आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी हो रही है दिस इज रियली गुड सॉल्यूशन एंड ऑल वंडरफुल यही चीज एक्चुअल में काम आएगा ये जो हम लिख रहे हैं ना और जो हमारा सब कॉन्शियसली कॉन्शियसली हम खुद को रिफाइन कर रहे हैं यही चीज एक्चुअल में एग्जाम में काम आती है वरना जो हम कोचिंग पढ़े लिखे जाते हैं ना यूपीएससी उसको विद इन मिनट्स न्यूट्रल कर देती है वहां पे वो कुछ ऐसा तिकड़म लगाती है यूपीएससी की वो सब बराबर हो जाता है फिर वही चीज काम आता है जो आप नेचुरली अच्छे हो तो देट इज बै नेचुरली हमें इसमें अच्छा बनना चाहिए शिवाकाशी आपने भी बहुत बहुत अच्छा लिखा है शिवाक्षी आप बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हो सी स्लम्स क्या होते हैं पॉइंटर्स यहाँ पे हम ना वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे लिखे बजाय उसके नंबर करें जैसे ये लिखा ना वेरी गुड रूट कॉजेज है कुछ एक डायग्राम भी बना सकते हैं स्टैटिस्टिक्स भी डाल सकते हैं अब अब इसमें भी भी लिखना है अभी जो latest जो था दिए उसको भी लिखो पे देखो वेरी गुड स्टाइल फैक्टर्स क्या है Then, ये देखो इसको मैं बोलता हूँ विजुअल्स ये है ना फिगर आपका आंसर को बेहतर बनाता है गुड वेरी गुड चैलेंजेस देखो ये बड़ा अच्छा आंसर लिखा है चैलेंजेस वे फॉरवर्ड वंडरफुल नेहा आप भी बहुत अच्छा से काम कर रहे हो दिस इज गुड कॉजेस स्लम्स इंडिया पॉइंट्स लिखे हैं वेरी गुड अब सी ये अप्रोच कितना अच्छा है रूट कॉजेस बताए फ्लो में भी बता दिया प्रॉब्लम स्टेप्स टेकन वे फॉरवर्ड फेंटेस्टिक्स सुमन यू आर अगेन डूइंग रियली गुड सी दिस स्टाइल इज गुड बहुत नीट एंड क्लीन कॉपी होता है अच्छा कॉपी है दिस इज गुड सौरभ सौरभ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आंसर लिख रहा है कॉन्टेंट भी अच्छा है प्रेजेंटेशन भी अच्छा है अप्रोच भी अच्छा है वेरी मैचोर दिस इज गुड हर जगह यूज कर सकते हो जो सत्रह एस डी जीज है ना उनका कोई ना कोई एंगल हर आंसर राइटिंग में निकल जाता है चाहे वह एनवाट हो सोसाइटी हो लाइक दैट यू कैन यूज इट आप ऐसे सवाल भी पूछ सकते हो ना कुछ आपको सवाल पूछना होता है तो आप वेट मत करो आप जैसे सौरभ ने यह स्टाइल अपना है ना आप वहीं पर सवाल पूछ लो मैं सारे सवालों का यहाँ पे रियल टाइम पे आपको आंसर भी दे दूंगा तुरंत आंसर दे ओके वेरी गुड गुड डॉक्टर जूही दिस इज अगेन आप भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो एंड यू आर वेरी सिंसियर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो आपका जो फाउंडेशन है वो भी बहुत स्ट्रॉग है इंट्रोडक्शन बताया सेंसस बताया स्टाइल सी दिस इज गुड रूट सेंसर्स एनालिटिकली आपने पॉइंट्स बताया सोशल फैक्टर अब एक शब्द यहाँ लिखा था इनोवेटिव तो इनोवेटिव में हम ऐसी चीजें बताएं जो हम अपने मन से कुछ और अच्छा जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस बता सकते हैं थिंक थिंक इन दैट डायरेक्शन अदिति फेंटेस्टिक कॉपी वंस अगेन सेंसस के बारे में बताएं अब देखो ये अप्रोच बहुत अच्छा है फैक्ट देन एग्जाम्पल्स ये स्टाइल देखो अदिति की कॉपी बहुत अच्छी होती है इससे बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप सीख सकते हो पे अटेंशन सी कॉन्क्लूजन वेरी नाइस गुड सुंदर सुंदर भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखता है स्लम्स प्रॉब्लम्स क्या है फ्लो में पूरा चल रहा है गुड इन जैसे एस डी पे लिख दी एस डी जी वन थ्री एंड फोर वेरी नाइस शालिनी दिस इज अगेन गुड स्लम क्या होता है इसके रिलेटेड पॉइंटर्स बताए यहाँ पे आपने गुड इसमें थोड़ा और नए पॉइंट्स भी लिखो नए पॉइंट्स मतलब करंट अफेयर्स के अभी गवर्नमेंट और क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है जैसे ये पॉइंटर्स अच्छे हैं अभी लेटेस्ट वन और टू ईयर में क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं आशा यू आर अगेन डूइंग रियली गुड आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो स्लम्स एग्जाम्पल्स रूट कॉज एज सी द अप्रोच दिस इज रियली गुड कॉपी टॉपर्स कॉपी यू आर गोइंग टू डू रियली गुड सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज इनोवेटिव अब इनका रिविजन अच्छे से करना है हमें और हमको एम सी क्यूज भी सॉल्व करने हैं बस इसके अलावा बहुत ज़्यादा आप ऑर्डर नहीं करना है आपका मीन्स बहुत अच्छा जाएगा सी दिस इज गुड और एब्रप्ट एंडिंग नहीं होनी चाहिए एक दो लाइन का कॉन्क्लूजन लिखिए सुप्रिया दिस इज अगेन वेरी नाइस सी आपने यहाँ पे बताया कॉजेस क्या होते हैं कुछ डायग्राम बनाओ जैसे ये अच्छा है दिस इज गुड देन पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं आपके टू द पॉइंट एनजीओ के बारे में बताया देन कॉन्क्लूजन कुछ लेटेस्ट स्कीम्स बताओ लेटेस्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रियंका अब देखो न्यूज़ में स्लम्स अर्बनाइजेशन तो चीज़ें हमें याद भी हो रही है वेरी नाइस देन स्लम्स से रिलेटेड पॉइंट्स बताया आपने वे फॉरवर्ड अब देखो ट्वेंटी थर्टी एस डी जी वंडरफुल अप्रोच नंदनी दिस इज अगेन गुड बहुत अच्छी कॉपी होती है आपकी हेडिंग सब हेडिंग होना चाहिए होते है। इसमें आप ज्यादा फ्लो चार्ट डायग्राम ऐसी इस्तेमाल करो जैसे यहाँ पे बताया आपने पॉइंट्स में लिखो सब हेडिंग हेडिंग इससे कम शब्दों में आप ज्यादा चीजें बता पाओगे शुभांगी दिस इज गुड अब देखो शुभांगी का कॉपी देखो स्लम्स क्या होते हैं दिस इंडियन दिस

वेरी गुड दिस इज अ कंप्लीट आंसर स्कीम्स भी हैं कुछ इनोवेटिव बताओ आप इनोवेटिव वे फॉरवर्ड सजेस्ट करो गुड रश्मि रश्मि भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही है स्लम्स इन इंडिया सी डेटा दिया है तो डेटा से क्या होता है वजन बढ़ जाता है फैक्ट बेस जैसे लॉयर्स कोर्ट में बोलते हैं ना अकॉर्डिंग टू दिस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दिस एंड दैट सो दिस इज गुड वेरी गुड स्लम्स इन इंडिया देन सी डायग्राम्स वेरी नाइस डेटा इनोवेटिव आपको सोल्यूशन भी बताने थे वेरी गुड सी लेस्लेटिव ये भी हमने इसी में प्रिपेयर कर दिया है इट्स ऑल राइट सी लेजिस्टिव रिलेशन का दिस लिंकेजेस सेंटर एंड स्टेट विमल विमल इज अगेन डूइंग रियली गुड स्लम्स इन इंडिया बताया सी दिस डायग्राम गुड वेरी टू द पॉइंट कॉपी होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड गुड ये चीज़ एप्रिशिएट किया जाता है जो पूछा है सीधा सीधा आपने उससे रिलेटेड बता दिया अभय दिस इज अगेन गुड यहाँ अभय की कॉपी भी बहुत अच्छी आ रही है दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स फैक्टर्स कॉजेज बहुत स्ट्रक्चर्ड है हेल्थ इज आर सोशल प्रॉब्लम ये टॉपिक से 100 परसेंट सवाल आएगा इसको और एनरिच करना नए नए जो करंट अफेयर्स के आ रहे हैं उसको ऐड करना है। इससे सवाल आएगा अमनदीप दिस इज रियली गुड सोशोलॉजिकल वेरी नाइस कॉजेज बताए यहाँ पे गवर्नमेंट वे फॉरवर्ड इनोवेटिव वेरी गुड वेरी गुड कॉपी नेहा सी फैक्टर्स प्रॉब्लम सो सी हैडिंग सब हैडिंग हैडिंग सब एडिंग पॉइंटर्स दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच वेरी गुड अप्रोच इससे बड़ी कॉपी स्ट्रक्चर्ड नजर आती है अमरजीत दिस इज अगेन गुड सी हिंदी में कितना अच्छा आंसर लिखा है और ये सारे पॉइंट्स तो हिंदी में भी सेम स्ट्रक्चर वही रखना हैडिंग सब हैडिंग चार्टस बनाओ कुछ डेटा लिखो बस लैंग्वेज हिंदी हो जाएगी तो लैंग्वेज मैटर नहीं करता जो लिखा है वो मैटर करता है कॉन्टेंट पूजा दिस इज़ गुड अब सी ये डेटा कितना अच्छा है और फिर ये रूट कॉजेस भी बताए आप बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो उसको कंटिन्यू करना है हमें कंटिन्यू करना है मुजमिल मुजम्मिल ने आंसर लिखा है वेरी नाइज nice. आप इतना अच्छा आंसर लिखते हो मुज्मिल आपको डेली लिखना चाहिए इससे आपका बहुत ऑर्गेनाइज रहेगा सिस्टमेटिक रहेगा इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ये बहुत रिक्वायर्ड है कि एक डिसिप्लिन वे में यू स्टडीज एवरीडे और आंसर राइटिंग भी आप करो इससे आपकी देखो हैंडराइटिंग कितनी अच्छी हो गई है कुछ टाइम पहले वाली कॉपी और इस कॉपी को देखना यू विल अंडरस्टैंड जो मैं बताने की कोशिश करता हूं ओवर पॉपुलेशन दिस 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 वेरी गुड सी सो दिस इज सो इजी वंडरफुल दमन वेरी गुड कॉपी वंस अगेन आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो हेडिंग सब हेडिंग पॉइंटर्स मेजर्स एंड सी अगेन बहुत अच्छा कॉपी चल रहा है थोड़े टाइम तक और इसको करो आप देखना बहुत अच्छा आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन ऑन ट्रैक रहेगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे चंदन चंदन इज अगेन टू द पॉइंट नो साइड दिस स्ट्रेट टू द पॉइंट यहाँ पे कॉपी होता है कॉन्टेंट इज रियली गुड अप्रोच एंड दिस राइटिंग इज ऑल्सो वेरी गुड अगेन सी वेरी होलिस्टिक होता है आपका एग्जाम्पल्स इनोवेटिव भी होता है स्लम्स क्या होते हैं वेरी गुड वे फॉरवर्ड गुड वेरी गुड सी एब्रप्ट होना चाहिए कॉन्क्लूजन धर्मेश ने आंसर लिखा है धर्मेश इज अगेन रियली गुड जुगी जुग अब देखो ये अप्रोच कितना अच्छा है सीधा सीधा दिस इज स्लम्स दिस इज रिलेटेड टू दिस इज फैक्ट इंडिया बेस्ड ये एग्जाम्पल्स भी लिख दिए दिस इज सो इजी टू रीड आप मेरा काम आसान कर रहे हो आपको बेहतर नंबर मिलेंगे मेजर्स दिस वेरी गुड अब देखो ये कितने इनोवेटिव बिकॉज शब्द पे जोर था इनोवेटिव दिस इज रियली गुड कॉन्क्लूजन इनोवेटिव सोल्यूशन निकालने थे जो अभी तक सोचा नहीं गया ऐसा कुछ सॉल्यूशन दो यंग यंग फ्रेश माइंड कोई नए सॉल्यूशन दो हरजिंदर दिस इज अगेन गुड आप भी बहुत अच्छे आंसर लिखते हो योर अप्रोच इज रियली गुड यूनिक रहता है आपका आंसर इसको कॉन्टिन्यू करना है राम नरेश इज अगेन रियली रियली गुड सी रूट कॉजेस क्या है वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी सिस्टमैटिक वंडरफुल एन एस डी पी सारे पॉइंट्स लिखे इस पर हमें ज्यादा जोर डालना था सॉल्यूशन पार्ट पे हमें ज्यादा जोर डालना था ओके सो दीज आर योर सबमिशन्स इसी तरीके से हमें खूब अच्छे से पढ़ाई करना है और सारे सबमिशन आप यहाँ पे करो शेयर करोगे तो मोटिवेशन आता है आप ऑन ट्रैक रहोगे मेनी ऑफ यू जस्ट राइट एंड डोंट शेयर शेयर ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ